नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कैसे खुद ही अपने आप अपने अल्ट्रासाउंड को पढ़ सकते हो और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से खुद ही पता लगा सकते हो कि आपके बेबी की स्थिति कैसी है, उसका विकास कैसे हो रहा है, आपके बेबी का वज़न कितना है, इसके अलावा उसके शरीर के अंग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनका विकास कैसा हो रहा है, इसके अलावा आपके बच्चे के दिल की धड़कन के बारे में। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में यह जानना कि आपका सर्वेक्स ओपन हो रहा है या फिर नहीं, इसके अलावा आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आया है या फिर नहीं, मतलब ये कि सेफेलिक पोजीशन में आया है या फिर नहीं। आपने ब्रिज पोजीशन के बारे में सुना होगा, तो ब्रिज पोजीशन में आपका बच्चा उल्टा हो जाता है, लेकिन यदि आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में यह लिखा हुआ आता है कि आपका सेफेलिक पोजीशन है तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके बच्चे ने सर नीचे कर लिया है, यानी कि हेड डाउन वाली पोजीशन में आ चुका है, जिससे कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। इसके अलावा इस समय आपके बच्चे का वज़न कितना है, यदि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में आपके बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी परेशानी की बात हो जाती है, वज़न कम रह जाता है तब भी परेशानी की बात रहती है। तो आपके बच्चे का सही वज़न कितना है यह आप कैसे पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहते हैं कि बच्चे ने गले में गर्भनाल फंसाया है या फिर नहीं, अगर फंसाया है तो कितने लेयर बच्चे ने फंसा लिया है, और नहीं फंसाया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये सभी चीज़ें ज़रूर जानना चाहोगे और आप ये खुद ही पता लगा लोगे तो कितनी अच्छी बात है ना। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। बाकी मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट भी आता है कि मैम आप हमारा अल्ट्रासाउंड पढ़ के बताओ कि बच्चे की स्थिति कैसी है, बच्चा नीचे आया या फिर नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आप सारी चीज़ें जान लोगे और खुद से अपने अल्ट्रासाउंड को पढ़ लोगे और पता लगा लोगे कि आपके बेबी की स्थिति कैसी है। बाकी ये है मेरा अल्ट्रासाउंड जितने भी हैं, तो मैं आपको इसी के माध्यम से बताऊँगी। तो मेरे को लिए 4 अल्ट्रासाउंड हुए थे, तो मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगी। वैसे कुछ महिलाओं के 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं, कुछ के 4 होते हैं, और जिनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होता है उनके और भी ज़्यादा होते हैं। 6 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह तक कभी भी आपका पहला अल्ट्रासाउंड हो सकता है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके बच्चे की दिल की धड़कन को देखना और कितने बच्चे हैं ये देखना, तो उसमें ये देखा जाता है। और नॉर्मली सेकेंड लेवल का अल्ट्रासाउंड 18 से लेके 20वें सप्ताह में कभी भी हो जाता है, तो मेरा समथिंग 20वें सप्ताह में हुआ था। तो इसमें आपके बच्चे की पूरी स्थिति देखी जाती है कि आपके बच्चे का विकास कैसा चल रहा है, आपके बच्चे के शरीर के अंग किस प्रकार से बन रहे हैं, और इसमें आपके बच्चे के अंदरूनी अंग और बाहरी अंग दोनों को ही अच्छे से देखा जाता है, उनका विकास देखा जाता है, उनकी लंबाई देखी जाती है, मतलब कि टोटल चीज़ देखी जाती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यदि सब कुछ ठीक होता है तो उसके बारे में भी लिखा होता है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि आपको नॉर्मली 8वें महीने के स्टार्टिंग में हो जाता है या फिर 9 महीने के स्टार्टिंग में हो जाता है, अगर आपके डॉक्टर ने 8वें महीने में कराया है तो चांसेस हैं कि वो आपका एक अल्ट्रासाउंड और कराएं, क्योंकि 9वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है ताकि बच्चे की पूरी स्थिति पता चल सके कि गले में गर्भनाल तो नहीं फंसा लिया है या फिर बच्चे की पोजीशन क्या है या फिर कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें आपके बच्चे की स्थिति देखी जाती है, वजन देखा जाता है, आपका सर्वेक्स देखा जाता है कितना ओपन हुआ है, और प्लेसेंटा वगैरह देखा जाता है उसकी स्थिति क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम अल्ट्रासाउंड को देखते हैं और पता लगाते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जिसमें कि मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, तो ये जो मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था 9 वीक एंड 1 डे में। अब इसमें आप देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका इसमें FHR, यानी कि बच्चे की जो दिल की धड़कन होती है वो कैसा है वो दिखाया जाता है। तो यहाँ पे बेबी का FHR लिखा होता है, दिल की धड़कन, जो कि 180 बीट पर मिनट है, अलग भी हो सकता है, इसके अलावा रिदमिक एंड रेगुलर है, ठीक है। इसके बाद आता है, ये देख सकते हैं आप, योग इससे, मतलब कि अंडे की जर्दी की जैसा आपका बच्चा दिखता है इस टाइम। इसमें मेन होता है आपके बच्चे की दिल की धड़कन जानना और कितने बच्चे हैं ये जानना। तो ये एक बच्चा है एंड दिल की धड़कन सही चल रही है, तो इसमें ये देखते हैं बाकी। तो दोस्तों ये है मेरा सेकेंड लेवल का अल्ट्रासाउंड, जो कि 19 वीक 1 डे में हुआ था, और इसमें मेरा जो ड्यू डेट है 10/4/2016 दिखा रहा है। और आप को इस अल्ट्रासाउंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है वो आपके बच्चे के विकास के बारे में बताई जाती है, आपके बच्चे के शरीर के अंग कैसे बन रहे हैं, उनका कैसा विकास चल रहा है, अंदरूनी अंग हो चाहे बाहरी अंग हो, उन सभी के बारे में बताया जाता है।
तो सबसे ऊपर यही लिखा रहता है कि आपका बच्चा ठीक है, सिंगल है। उसके बाद जो दूसरी बात है वो है प्लेसेंटा के बारे में, तो यहाँ आपका प्लेसेंटा कौन सा होता है वो लिखा होता है। तो मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था। और प्लेसेंटा तीन प्रकार के होते हैं, एंटीरियर, पोस्टेरियर एंड लो लाइंग। तो मेरा एंटीरियर था, और एंटीरियर हो या पोस्टेरियर दोनों अच्छे होते हैं। उसके बाद नॉट लो लाइंग, यानी कि लो लाइंग है तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो आपके बिल्कुल नीचे साइड हो जाता है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो प्लेसेंटा ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे के सभी अंगों के बारे में। तो इसमें सबसे ऊपर आता है बीपीडी। बीपीडी का मतलब होता है बिपराइडल डायमीटर। इसके बाद आता है एचसी। एचसी का मतलब होता है सिर परिधि, जिसको कि आप कह सकते हैं हेड सरकमफेरेंस, ठीक है। उसके बाद एसी का मतलब होता है एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, जिसका मतलब होता है पेट की परिधि, अगर आप हिंदी में बात करें तो पेट की परिधि। इसके बाद है एफएल। एफएल का मतलब होता है फीमर लेंथ, यानी कि बच्चे की जांघ की हड्डी की लंबाई। तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है एवरेज जेस्टेशन, मतलब होता है गर्भ की अवधि, यानी कि आपके प्रेगनेंसी का कितना समय चल रहा है। तो 19 वीक वन डे चल रहा है। इसके बाद आता है फीटल वेट के बारे में, तो ये 303 ग्राम है। आप देखेंगे तो नीचे लिखा रहा है नो ऑब्वियस कॉन्जिनेटल अनोमली सीन, यानी कि कोई भी जन्म दोष दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इसमें आपके बच्चे की दिल का विकास, पेट, किडनी, मूत्राशय और आंत का विकास देखा जाता है। हाथ पैर की उंगलियों का आकार और विकास देखा जाता है। नाल की स्थिति देखी जाती है और उसका विकास देखा जाता है। आपके बच्चे की दांत की हड्डियों का विकास देखा जाता है, और आपके बच्चे के एमनियोटिक के द्रव्य का विकास देखा जाता है। इसके अलावा भ्रूण का लिंक भी इस समय पता चल जाता है, लेकिन इंडिया में गैर कानूनी है। और बच्चे के लिप्स के बारे में लिखा होता है, नोज के बारे में, मतलब कि उसके पूरे विकास के बारे में जो है आपको इस जांच में पता चल जाता है। और FHR इसमें मेरे बेबी का 104 बीट पर मिनट है, जो कि आप देख सकते हो। और जो भी है, मतलब कि यही लिखा रहता है इसमें, तो आप पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरा सर्वेक्स का जो लेंथ था वो 3.9 सेंटीमीटर था, जो कि थोड़ा ज़्यादा था। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो ज़्यादा ही डार्क ब्लैक में लिखा होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ होगा, आप देख सकते हो लिखा हुआ है इसमें, तो जो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है कितने दिनों का है, बाकी इसमें लिखा हुआ है कि ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा पाया नहीं गया है जो कि दिक्कत वाली बात है, और आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे इसमें भी आप देख सकते हो FHR लिखा हुआ है और सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप जो मैंने बताया आप वही पढ़ के पता कर सकते हैं कि आपके बेबी की शरीर की स्थिति कैसी है, उसका विकास कैसा है। उसके बाद जो मेरा थर्ड अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था 30 वीक 6 डे में। इसमें भी बीपीडी, एससी, एसी, एफएल लिखा हुआ है, जो कि ठीक है। प्लेसेंटा इंटीरियर लिखा हुआ है और नो लो लाइंग लिखा हुआ है। एंड FHR आप देख सकते हो 150 बीट पर मिनट है, ठीक है। तो इसमें यही रहता है, बाकी और देखते हैं इसमें क्या हुआ है। एज लिखा हुआ है, बच्चे का वजन लिखा हुआ है, 1683 ग्राम है इस समय मेरे बेबी का वजन। इसमें जन्म दोष कुछ नहीं है, और लिखा हुआ है नो लूप ऑफ कॉर्ड इज सीन अराउंड द फीटल नेक, मतलब कि कोई भी नाल लपेटा हुआ नहीं है फिलहाल। कॉर्ड इज़ नॉर्मल विथ 3 वेसल्स, मतलब कि प्लेसेंटा भी ठीक है। और सर्वेक्स का लेंथ लिखा हुआ है कि कितना है, तो इसमें सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो बिल्कुल डार्क में लिखा हुआ होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। दोस्तों मुझे आपको ये चीज़ में और दिखाना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेफेलिक पोजीशन, यानी कि बेबी ने अपना पोजीशन सही ले लिया है, सेफेलिक ले लिया है, हेड डाउन कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था 37 वीक वन डे में, यानी कि 38वें सप्ताह में हुआ था। और इसमें भी बीपीडी, एससी, एसी और एफएल लिखा हुआ है, एंड सेफेलिक पोजीशन दिखा रहा है इसमें भी, और प्लेसेंटा इंटीरियर है, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और FHR की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें बच्चे का FHR दिखा रहा है 157 बीट्स पर मिनट, एंड बाकी सब ठीक है। और क्या दिखते हैं इसमें, वही आपका कितने दिनों का है,
बच्चे का वजन कितना है। इसके अलावा इसमें कोई जन्म दोष नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड इज सीन अराउंड द फीटल नेक एट प्रेजेंट, यानी कि एक गले में लूप लपेट लिया मेरे बेबी ने। दोस्तों मैंने गलती कर ली थी, आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि मेरा जो ब्लैडर था बिल्कुल खाली था, क्योंकि मैंने यूरिन पास कर लिया था इसलिए सर्वेक्स का लेंथ नहीं आ पाया है। तो आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट बात होती है वो बिल्कुल डार्क में लिखा हुआ होता है, तो सारी इंपॉर्टेंट बात डार्क में लिखी हुई है। और गर्भनाल के बारे में डॉक्टर ने बोला कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो दोस्तों आई थिंक कि अब आप अपने आप ही जो है अपने बच्चे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देख के पता कर सकते हैं कि आपकी बच्चे की स्थिति कैसी है, आपकी स्थिति कैसी है। तो देखिए और खुद ही समझ जाइए। बाकी अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।